मैं एडवोकेट मनीष त्यागी, मैं आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने जा रहा हूँ। उस विषय के बारे में कुछ लोगों में, बल्कि कहूँ तो अधिकतर लोगों में भ्रांति ज़्यादा है। विषय है देशद्रोह या राजद्रोह। देशद्रोह, अब जैसे कि अभी कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 2019 के चुनाव में जो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो बनाया, घोषणा पत्र, उस घोषणा पत्र में भी राजद्रोह जैसी धारा को उसमें बदलाव करना, उसकी परिभाषा को बदलना या उसको ख़त्म करने संबंधी जो उन्होंने बात रखी है, उसको लेकर के लोगों में जो एक दुष्प्रचार है, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है, क्योंकि उसका टाइटल ही ऐसा है उस सेक्शन का, राजद्रोह। लोग ये सोचते हैं कि राजद्रोह हट जाएगी तो इसका मतलब ये है कि भाई इसका जो देश की खिलाफत करने वाला जो आदमी है या देश के प्रति जो जो एक सुरक्षा का भाव रखने वाला व्यक्ति है या देश को नुकसान पहुंचाएगा, उस पे ये धारा नहीं लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल क्या है, देशद्रोह नाम की भारतीय दंड संहिता में कोई धारा ही नहीं है। इस धारा का जो नाम है वो 124A राजद्रोह के नाम से ये अपराध है। देशद्रोह जैसा कोई अपराध है ही नहीं। राजद्रोह भी जो है, ये जो धारा है, ये जो सेक्शन है, ये दरअसल अंग्रेजों के समय में, जब देश हमारा गुलाम था अंग्रेजों का, तो अंग्रेजों के जो शासक थे, उन शासकों ने ये अपनी सुरक्षा के लिए, ताकि कोई भी इस देश का व्यक्ति हमारे खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाए, उसके खिलाफ हम राजद्रोह लगा देंगे, एक तरह की जबरदस्ती की, ताकि वो कोई सरकार के खिलाफ कोई आलोचना करेगा तो उसके ऊपर हम राजद्रोह का मुकदमा लगा देंगे। इसकी जो परिभाषा है, परिभाषा ही यही है, 124A राजद्रोह में जो परिभाषित किया गया है, इसमें परिभाषित ये किया गया है, जो भी व्यक्ति सरकार की आलोचना करेगा, सरकार के खिलाफ माहौल बनाएगा, 10 या 20 व्यक्ति, मतलब अधिक व्यक्ति का जमावड़ा करके उनको सरकार के खिलाफ भड़काएगा, उसके ऊपर राजद्रोह की धारा लगाई जाएगी। लेकिन लोगों में इसकी जानकारी का अभाव है, इस वजह से लोग ये सोचते हैं कि राजद्रोह केवल उसी पे लगती है जो हिंदुस्तान के खिलाफ नारेबाजी या हिंदुस्तान के खिलाफ दुष्प्रचार करेगा। ऐसा नहीं है। दरअसल ऐसा अगर होता तो जो जम्मू कश्मीर में जो आए दिन देश के खिलाफ जो गतिविधियां वहाँ की होती रहती हैं, वहाँ के बड़े बड़े नेता फारूक अब्दुल्ला जैसे जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उनके विधायक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, और जबकि अभी अभी जब ये पुलवामा का अटैक हुआ उसके बाद में महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दिया था कि अगर धारा 370 के साथ छेड़खानी की गई तो हम हिंदुस्तान का झंडा छोड़कर कोई और झंडा उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस तरह की बातें जो व्यक्ति फैला रहा है उसके ऊपर राजद्रोह या देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया जा रहा, वो इसलिए दर्ज नहीं किया जा रहा क्योंकि राजद्रोह देशद्रोह नाम की कोई धारा ही नहीं है। देश जो राजद्रोह धारा है उसमें ये चीज़ डिफाइन नहीं की गई हैं, उसमें केवल इतना ही है जो सरकार की आलोचना करेगा वह व्यक्ति राजद्रोह मुकदमे के अंतर्गत उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। अब से पहले जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब महात्मा गांधी के ऊपर भी इस तरह के चार्जेस लगाए गए थे, राजद्रोह जैसे चार्जेस, बाल गंगाधर तिलक के ऊपर भी चार्ज लगाए गए थे, देश आज़ाद होने के बाद नोबल पुरस्कार विजेता है हमारे यहाँ अमर्त्य सेन, उनके ऊपर भी राजद्रोह जैसे चार्ज लगाए गए। बल्कि तमिलनाडु में एक बार एक गांव में, एक टाउन है वहाँ पर, वहाँ
कि सरकार कोई एक प्लांट लगा रही थी, उस प्लांट की मुखालफत कर रहे थे वहां के ग्रामीण वासी, तो उन 7,000 लोगों पर राजद्रोह की धारा लगाई गई, उनके ऊपर राजद्रोह में केस चला। तो चाहे कांग्रेस हो और चाहे भाजपा हो, किसी की भी नीयत अगर साफ होती इसके प्रति, तो ये अब से पहले ये धारा संविधान से हटाई जा सकती, भारतीय दंड संहिता से हटाई जा सकती थी, क्योंकि इसका केवल और केवल उत्पीड़न करने के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया। क्योंकि आज जब हम एक प्रजातांत्रिक देश में जी रहे हैं, तो वहां पर सरकार की आलोचना करना वो हमारा अधिकार है, सरकार के अच्छे या बुरे कामों की चर्चा करना वो यहाँ की जनता का अपना अधिकार है, लेकिन ये धारा उस अधिकार को छीनती है। इसलिए क्योंकि सरकार ये चाहती है, या आपसे पहले भी चाहती थी कि इस तरह की धारा बनी रहे और इस तरह की धारा से लोगों को टेररिस्ट किया जाए, ये धारा ज्यादातर पत्रकारों पर या विपक्ष के नेताओं पर लगाई जाती थी, क्योंकि वो ही ज्यादा सरकार के खिलाफ बेड़ा उठाते थे। तो बदलाव की जरूरत इसमें पहले भी थी, इसकी परिभाषा में बदलाव की आवश्यकता बहुत पहले से थी, लेकिन पहले की सरकारों ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन ये बीच में इतना इसका जिक्र भी नहीं हुआ। लेकिन अब पिछले कुछ कुछ सालों से कोई भी छोटा सा कोई छोटी सी कोई घटना हो जाए, या छोटा सा कोई भी आदमी सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दे, अभी इस तरह का कुछ माहौल ऐसा बनने लगा कि अगर सरकार के खिलाफ जो भी व्यक्ति बोलेगा वो गद्दार, गद्दार मतलब उसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा या देशद्रोह का मुकदमा। तो जब इस तरह की भावना लोगों में ये बन गई कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चला जाएगा, या देशद्रोह, या वो देशद्रोही है, तो अब इसकी अति आवश्यकता है ताकि लोग उत्पीड़न से बच सकें। और क्योंकि प्रजातांत्रिक देश में हर व्यक्ति को जब वोट देने का अधिकार है, अपने पसंदीदा सरकार चुनने का अधिकार है, तो उस सरकार की आलोचना करने का भी अधिकार प्राप्त है। जब वो उसकी तारीफ कर सकता है, तो बुरे कामों की बुराई भी करनी चाहिए, जो काम अच्छे नहीं है उसकी बुराई भी करनी चाहिए। लेकिन ये धारा बोलती है कि आप सरकार की बुराई नहीं कर सकते, सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, चार आदमियों में बैठकर सरकार के खिलाफ उन लोगों को भड़का नहीं सकते, जबकि भड़काने नहीं आता, भड़काएंगे तो जो लोग नेता हैं वो भड़काएंगे, लेकिन एक जनरल आदमी जो एक सामान्य वोटर है, अगर वो 10 आदमी या 5-7 आदमी अगर बैठे हुए हैं एक जगह और वो सरकार की आलोचना कर रहे हैं उनके उन्हें किसी बुरे कामों की जो जनहित में नहीं है, तो वो तो कोई अपराध नहीं है। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि इस तरह की भ्रांतियों में ना पड़े। आज के बाद शायद आप इस वीडियो के माध्यम से इतना आपको समझ में आ जाएगा कि ये राजद्रोह जो लगाया जाता है वो कोई देश के खिलाफ बगावत करने पर लगाया जाता, वो सरकार के खिलाफ जो बगावत करता है उस पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है। अभी जैसे 3 साल पहले कन्हैया कुमार के ऊपर बहुत चर्चा हुई कि कन्हैया कुमार के ऊपर राजद्रोह लगा दिया गया है, कन्हैया कुमार पर चार्जशीट दाखिल करने में 3 साल लगा दिए दिल्ली पुलिस ने, क्योंकि कन्हैया कुमार जेएनयू यूनिवर्सिटी का वहाँ का प्रेसिडेंट था, छात्र संघ अध्यक्ष था, छात्र संघ अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने वहाँ के छात्रों की आवाज़ उठाई, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग शिक्षित थे, तो वो लोग बेरोजगार भी थे, तो उन लोगों ने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई, आवाज़ उठाई, वो आवाज़ बहुत दिनों से उठा रहे थे। और वहाँ की जो पुलिस है, अब जो छात्र संघ अध्यक्ष है तो उसकी भिड़ंत भी पुलिस से होना लाजमी है, तो पहले भी एक दो भिड़ंत पुलिस से हुई होंगी, तो पुलिस ने उसको केवल उसका मुंह बंद करने के लिए उस पर इस तरह का जो है प्रचार किया कि ये देशद्रोही है, इसके ऊपर देशद्रोह के मुकदमा चलेगा। जबकि पुलिस को, दिल्ली पुलिस को, अगर वो उसके पास पुख्ता सबूत होते, ऐसे कोई बात होती कि वो वाकई में ही उसने देश के खिलाफ बगावत की है, तो 3 महीने के अंदर अंदर चार्जशीट दाखिल कर देनी चाहिए। 3 साल में, अब चुनाव से जस्ट पहले, 1 महीने पहले दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है, और वो चार्जशीट भी अभी भी हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं की है।
क्योंकि उसमें दम नहीं है, क्योंकि उसमें कोई पुख्ता सबूत नहीं है, केवल सरकार से अपनी उसके वादों को दोहराया गया है। और ये एक प्रजातांत्रिक देश में प्रजा का अधिकार है। तो मेरा आप सभी से यही एक निवेदन है कि ऐसी किसी भी तरह के जो एक प्रोपगंडा चलाया जाता है या चल रहा है कि कौन गद्दार या कौन गद्दार नहीं, इसका डिसाइड करना ये किसी पार्टी का या किसी पार्टी कार्यकर्ता का काम नहीं है। और ये धारा जो है ये बिल्कुल हटनी चाहिए या इसकी परिभाषा बदलनी चाहिए, क्योंकि इस धारा से सरकार जो है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले व्यक्तियों को दबाती है, और दबाए भी गए हैं, पहले भी दबाए गए हैं, आज भी दबाए गए हैं। आज के अभी अभी मैं आपको बताऊं, अभी 3-4 पत्रकार, इतने बड़े बड़े पत्रकार हैं जो टीवी से, जो टीवी जगत का, टीवी न्यूज़ का एक चेहरा हुआ करते थे, आज वो टीवी न्यूज़ से बिल्कुल हट गए हैं। इसलिए हट गए हैं, वो सरकार के कामों के बारे में बताते थे कि इसकी क्या अच्छाई है इस योजना की और क्या बुराई है, कितनी लोगों तक पहुंच रही है, कितनी नहीं पहुंच रही है, जितना बखान किया जा रहा है उतनी पहुंच भी रही है या नहीं पहुंच रही है। तो केवल और केवल इस चिड़ में ही उन इतने बड़े पत्रकारों को आज टीवी से बिल्कुल हटा दिया गया है, और उनको केवल राजद्रोह और कोई उनके पास नहीं है, केवल राजद्रोह और ईडी और इनकम टैक्स के डर से ही उनको घर बैठा दिया गया, केवल इसलिए कि वो सरकार से सवाल पूछ रहे थे। सरकार कोई भी हो, मेरा आप लोगों से ये कहना है, वोट देना सबका अधिकार है, लेकिन वोट दो, लेकिन वोट देने के बाद सरकार को समय समय पर उसके किए गए वादों को दोहराना राजद्रोह नहीं है, दोहराने चाहिए। ये एक जागरूक वोटर का, जागरूक नागरिक का काम है। मेरी नज़र में तो ये ही एक देशभक्ति है, और हो सकता है सरकार की नज़रों में ये देशद्रोह हो, लेकिन मेरी नज़र में और एक जागरूक नागरिक की नज़र में यही देशभक्ति है कि सरकार को सही रास्ते पर लाए, जो उसने चुनाव से पहले वादे किए हैं उसी रास्ते पे वो सरकार चले, उसी में लोगों की भलाई है। जो लोग सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे वो स्वयं को धोखा देंगे, देश को धोखा देंगे। तो मेरा आप लोगों से यही एक निवेदन था, यही इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा था मैं। और मैं समझता हूँ कि आप राजद्रोह और देशद्रोह में अंतर बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे कि राजद्रोह कोई ऐसी धारा नहीं है जो देश के खिलाफ बगावत करने पर लगाई जाती हो। नमस्कार।